आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी छूने लगे पैर। खबर जनपद भदोही के गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत अमवा बापी से है, जहां आज शाम के समय हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। इतना ही नहीं, आसपास सैकड़ों वाहन भी खड़े थे, माइक पर आवाज गूंज रही थी। दरअसल उक्त गांव में पंडित कलेक्टर मिश्र और सुरेंद्रनाथ मिश्र के साथ साथ समस्त ग्रामवासियों द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 जनवरी 2023 शनिवार से 14 जनवरी 2023 शनिवार तक आयोजित किया गया है। कथावाचक की भूमिका में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी वृंदावन वाले हैं। गौरतलब है कि प्रतिदिन हजारों की भीड़ संगीतमय भागवत कथा में मौजूद रहती है। इसी क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला व समाजसेवी दीपक तिवारी कथा श्रवण के लिए पहुंचे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी द्वारा कन्यादान किया गया और उपस्थित कथावाचक व यज्ञ में उपस्थित पंडितों के पैर छुए। कथा समापन के बाद कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य अंजनी शुक्ला, समाजसेवी दीपक तिवारी के साथ साथ अन्य समाजसेवियों को अंगवस्त्रम व प्रसाद वितरण कर सम्मानित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है और निश्चय ही हमारी आने वाली पीढ़ी में भी संस्कार अवतरित होते हैं। उन्होंने कहा कि कन्यादान, शिक्षादान, मतदान और गरीब और असहायों की भलाई के लिए दिया गया दान हमारी सांस्कृतिक दक्षता को दर्शाता है। आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति को सीखने का प्रयास कर रहा है, हमारी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को अपनाने में, इसका पालन करने में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अग्रणी लोग यदि इस तरह का कार्य करने के बाद संबंधित कार्यक्रम की छोटी सी झलकियां मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इसलिए पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि अन्य लोग इससे प्रेरित हों और हमारे समाज में ज्ञान, धर्म और दया की भावना जागृत रहे। उन्होंने कहा कि पान, गुटखा व अन्य नशे की लत के कारण लोग हजारों लाखों रुपए लुटा देते हैं, शादी पार्टियों में नाच गाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए जब दान की बारी आती है या फिर जब कन्यादान की बारी आती है तो स्वयं गरीब बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह देश और समाज हमारा है, अतः यहाँ का रहने वाला एक एक नागरिक हमारा अपना है और इन सबके बारे में सोचना भी हमारा ही कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई नेता हो, अधिकारी हो या फिर कोई समाज सेवी हो, अकेला इस पूरे समाज का भला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यदि सब एक हो जाएं तो पूरे समाज को बदला जा सकता है, निश्चय ही विकासशील समाज को विकसित समाज के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यदि आप सक्षम हैं तो अपने तरीके से कम एक व्यक्ति की मदद करिए और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करिए। निश्चय ही यह कड़ी एक दिन हमारे समाज से बुराइयों को दूर कर देगी और हमारे समाज में कोई भी असहाय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भागवत का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें, किसी का अहित न करें और यदि आप मानव हैं तो मानवता का धर्म अवश्य निभाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूं तो अकेला इस जिले की तस्वीर नहीं बदल सकता, बल्कि समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।